नमस्कार, न्यूज क्लिक की तरफ से हम इस समय पहुंचे हैं बरौली खलीलाबाद लखनऊ पीजीआई के बिल्कुल पास सटा हुआ यह गांव है। यहां पर तीन नौजवानों को सरेआम सबके सामने जलील किया गया, उनके बाल काटे गए, चौराहा बनाया गया, जूतों की माला पहनाई गई, मुंह पे कालिक पोती गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और उनकी तरफ से जो जारी बयान है उसके हिसाब से भी इन तीनों के ऊपर जिस तरह की बर्बर पिटाई हुई, इनके सर मुड़ाया गया, हिंसा हुई, उस पर SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट लगता है। पुलिस के हिसाब से भी ये तीनों गिरफ्तार हैं, बाकी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और सारा मामला चोरी का बताया जाता है। यहाँ पर हम जाकर बात करेंगे उन लोगों से जो उनके परिवार वाले हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो इनको बचाने के लिए आए, लीगल प्रोसेस करने के लिए आए, भीम आर्मी के लोगों से हम बात करने जा रहे हैं। कमरे में बुला के ले गए, पहले दिलीप को ले गए, फिर हंसराज को ले गए, फिर राकेश को ले गए, वहीं 5 घंटे बंद करके मारा, फिर जूतों का हार पहनाया गया, सर चौराहे बनाया गया, कालिक पोती गई मुंह में, फिर गांव में उधर उधर घुमा के तब हम लोगों को ये सब हो गया, तब वीडियो देखे तब हम लोग पुलिस को सूचना दी। ऐसा गांव में पहले नहीं हुआ है। जात के नाम पे जो है ब्राह्मण लोग हमेशा जो है कहते थे ये चमरुआ है, ये साला कैसे बढ़ गया और ये कैसे मतलब ये सब हमारे नीचे रहेंगे, मतलब वो लोग जो है बहुत चिढ़ते हैं हम लोगों से। आप क्या काम करते हैं? जी हम तो मजदूरी काम करते हैं। ये बेटा किसी के साथ बोरिंग करने चला जाता था, किसी के साथ शटरिंग बांधने चला जाता था, किसी के साथ मजदूरी करने चला जाता था, यही व्यवसाय है और कोई कुछ काम नहीं, बेरोजगार समझिए। यही है, नीची कास्ट को मर जाना ही उचित समझते हैं और कुछ नहीं। कहीं भी अब किसी के सामने सर उठाने की तो जरूरत नहीं है, कोई भी कहेगा तुम्हारा लड़का तो जूतों का हाथ पहन आके घुमा दिया गया। तब नहीं देखा, जब बन गए रहे तो रोड पे लाए तब देखा। अच्छा, रोड पे लाए तब आपने देखा? हाँ। तो क्या हालत थी तीनों की? तीनों की हालत जो रहा सो रहिबे करे, बेचारे उठ नहीं पावती रहे कि उठ पाऊँ, अत्ता कहा उनका मारी नहीं, 5-5 घंटा 6-6 घंटा अंदर बंद रहा कि नहीं। हम तो सब्जी बेची था, ठेला लगा तो वो अनिक। कितने बजे आपने देखा उनको बाहर? कितने हम बजे देखे हुए? लगभग 11 बजे देखा। अच्छा, कोई नहीं। तो कहाँ कौन पकड़ के घुमा रहा था उनको? उनको पंडिताइन ना है, पंडिताइन के लड़का रहे हैं जो पंडिताइन। तीन लोगों को खाली दो ही लोग कर रहे थे? तीन लोग का पहना ही नहीं। तीन लोग का कितने लोग थे जो उनको घुमा रहे थे? अब घुमावे गए तो हुआ महफिल रहे बहन जी, अब ये तो हम पहचाने नहीं को है कौन है। अब उनके घर वाले रहे, अगल बगल वाले बहुत जने रहे। अच्छा, काफी लोग रहे? काफी लोग रहे। अब उमा कहीं का पहचानी, कहीं का समझी, मेला लगा रहा है बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कि अब कोरोना मैंने तो को आस पास नहीं आया, तो हुआ तो इतना मेला लगा रहा है, यहाँ सुबह तक का इतना मेला लगा रहा है। कोई उन बच्चों को बचाने नहीं आया? कोई नहीं बचाने आया, कौन बचाए? जो कोई बचाए उससे भिड़ जाती है, अभी नहीं बोलेगी तो कल लड़ाई करेगी, कल मारपीट करेगी। हमारे साथ ऐसे ही तो करते चली आ रही है। अब ये सही नहीं हुई तो आप कब पहुंचे वहां? हम पहुंचे 9:30 बजे उनके घर के पास। क्या देखा आपने? हमने देखा कि नितिन दीक्षित, शिवम दीक्षित जितने लड़के थे विजय लक्ष्मी के, वो उनके बाल बना रहे थे, कोई काली खेप रहा था, वो विजय लक्ष्मी कहने पे ही काम कर रहे थे वहाँ पर। हाँ, बाकी तो आप वीडियो में देख ही लीजिए, ना हो तो हम दिखा दें वीडियो। नहीं, वीडियो है हमारे पास, वीडियो देखने के बाद ही नहीं, बाकी तो वीडियो हम सबके पास पहुँच गई है। अच्छा, ये बताइए कि जो अब सबने वीडियो देखा तो सबके दिमाग में क्या आ रहा है? आ क्या रहा है कि बस वही मुकदमा लिखे, जेल जाओ, क्या होगा? उन लोगों ने ये किया है कि वो है पंडित, तो वो सोच रहे हैं कि इनके साथ है, हम ऐसा करें हमसे डर जाएं और हमारे जो है कि पोस्ट बढ़ जाए, इसलिए उस और यहाँ की रहने वाली मायका यहाँ का है और ससुराल नटकुर की रहने वाली,
ससुराल इसकी नटकुर से पहले भी दबाती रही है वो। सबको दबाती क्या, जो कर्जा लेते हैं उनको दबाती है और जो कर्जा नहीं लेते उसको हम लोग को नहीं दबा पाती है। हम लोग जो बात कोई करती है तो हम लोग भिड़ते हैं, इसलिए उसके जलन रहती है। और जो कर्जा ले हैं वो डरती हैं, हमने तो कभी कर्जा लिया नहीं। जी नन्हे दीक्षित गिरफ्तार हुए हैं और दूसरे हैं उनका बड़ा बेटा शुभम दीक्षित। जी बाकी सब उनके घर के लोग फरार हैं इस समय। फरार हैं जी। और लोग बता रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए वो भी छूट गए। ऐसी कोई अभी पक्का नहीं है, जहाँ तक जेल भेजे जा चुके हैं दो लोग। बाकी सीओ जी से मेरी बात हुई थी, जो यहाँ क्या सीओ लगता है सर्कल ऑफिसर, तो वहाँ भी बात हुई, करी थी, हमारी टीम लगी हुई है। अच्छा, इसमें क्या SC ST एट्रोसिटी केस नहीं लगा है क्या? जी लगा है, लेकिन केस को कमज़ोर किया जा चुका है पहले से ही। जैसे उनको उन जो लड़के हैं उनको पर चोरी का केस जो लगाया गया है वो पूरी तरह से फॉल्स एंड फेब्रिकेटेड लगता है देखने में। क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे हैं गाँव वाले, बता रहे हैं कि घर से ले गए, और अगर घर से ले गए तो उनके घर पर सामान अगर चोरी किया होता तो उनके घर से वो सामान मिलता, लेकिन वो सामान उन्होंने उनके घर ही से उनको मारा भी, वहीं से उनको सामान भी दे दिया गया, पुलिस को बरामदगी भी दे दी गई सामान की। तो ये तो एक तरीके से केस को कमज़ोर किया जा रहा है कि जो जो जिनके जिन्होंने ये किया है दमन लोगों ने उनके उनको इजीली जमानत मिल जाए। लेकिन जो ST एट्रोसिटी एक्ट है जी, उसके तहत तो तुरंत गिरफ्तारी और इन लोगों को भी मुआवजा मिलना ज़रूरी है। जी अभी तक कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं, ऐसा कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। इंसिडेंट कब का है ये? जे 4 तारीख का है, 4 जून। 4 जून का जी। और उसमें पहले दिन जो थे हंसराज के पिताजी गए थे, उसमें बिना एक्यूज के नाम लिखे अज्ञात में FIR कर दी गई थी। उसके बाद फिर जब हम लोग गए हैं तो उसके बाद फिर वो नेम्ड FIR हुए जो उनके परिवार हैं दबंगों के पूरा उनके खिलाफ। जी भीम आर्मी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, 4 तारीख को ही पहुँचे हैं, शाम को एक बंदा पहुँचा है, लेकिन लोगों से बात ना हो पाई है उस समय। अगले दिन 5 तारीख को जो है मेरे कुछ बंदे आए, वकील साहब आए, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लिए गए इनसे, जो कि FIR हुई थी, जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ FIR भी बाद में हुई, तो वो बेनामी FIR हुई है, मतलब उसमें नाम किसी का नहीं डाला गया, अज्ञात डाल दिया गया था। क्योंकि जब वीडियो दिख रहा है, वीडियो में लोग दिख रहे हैं, काम करने वाले लोग दिख रहे हैं जो जूते की माला पहना रहे, फिर भी जो पुलिस का रवैया ये था कि अज्ञात में उनकी FIR करी गई। फिर हमारे कुछ वकीलों के दबाव की वजह से फिर उनके खिलाफ जो नामजद FIR हुई, और होते होते प्रोसेस यहाँ तक के आया है कि अभी तक के सिर्फ 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 4 लोग अभी भी बाहर हैं। और जब हम वहाँ पर जाते हैं पुलिस के पास में कि आप दूसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि अभी जांच चल रही है, न जाने किस चीज़ की जांच चल रही है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर उनके चेहरे भी हैं, आवाज़ें हैं, और वो शख्स जितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है सारे लोग के चेहरे। वो क्यों गिरफ्तार करा गया, जिन लोगों को मारा उन्हीं की गिरफ्तारी सबसे पहले नहीं हुई? उन लोगों को गिरफ्तार, असल में ये उन्होंने का कहना ये था जिन्होंने मारा था कि पंखा की चोरी हुई है, तो पुलिस ने पंखे चोरी पंखे में गिरफ्तार करके डाला है, जो कि जहाँ के लोगों से पता चला कि सरासर गलत है वो। नहीं, लेकिन क्या तीनों की गिरफ्तारी पंखा चोरी की वजह से हुई है? जी जी जी, पंखा चोरी की वजह से गिरफ्तारी हुई है। उनका कहना था कि हमारे पास कुछ साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता क्या सच है, चोरी की है या नहीं की है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये इस देश में जैसे विजय माल्या जैसे जो चोर हैं या डकैत हैं जिनको कहते हैं, वो चले जाते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी मामला नहीं देखा जाता है उस हिसाब जिस हिसाब से देखना चाहिए। इतनी बड़ी चोरी होती है, एक छोटा सा जो बंदा 200 रुपये 250 रुपये की मजदूरी कर रहा है, वो अगर किसी वजह से कोई गलती करता है तो पहले उसको 5 घंटे लगातार मारा जाता है। 5 घंटे लगातार मारने के बाद सर मुड़वाया जाता है, चप्पलें पहनाई जाती हैं, ऊपर गले में मालाएं डाली जाती हैं, फिर उसको घुमाते हैं पूरे गांव में, गली में घुमाते हैं। ये बेरहमी आज के ज़माने में भी हो रही है, लगभग 72-73 साल हो रही है हमें आज़ादी मिले हुए, संविधान लागू हुए, आज भी कानून और संविधान का कोई मतलब नहीं। अगर हम कानून की माने तो 2 लोगों को गिरफ्तारी करने के बाद 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ इस नाम पर कि जांच हो रही है। किस लिए जांच हो रही है? और बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, बाकी हमारे जो 3 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल में डाला हुआ है। Thank you.